सबसे पहले तो आपका ये ट्रेन, आपकी ट्रेन जर्नी कैसी रही यहाँ तक? आउटस्टैंडिंग, पहली बार मैं इस ट्रेन में बैठा हूँ, मेट्रो में बैठा हूँ, आउटस्टैंडिंग। सिर्फ मैं इसका एक फीचर मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि इसमें दरवाजे हैं, वो बाहर लटके कैसे? सेफ्टी रीजंस के वजह से, हवा, वो नेचुरल वाला एसी बंद कर दिया इसीलिए अंदर वाला एसी उन्होंने, तो वो फिट हो जाते हैं सब, क्योंकि ये अपेरेंटली 99% के ऊपर ऑक्यूपेंसी पे चल रहा है अभी। We have 16 of them and I think they're going to do a lot more. Fantastic metro. Buck up India. Absolutely. Mumbai. 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 Sir, ये जो Celebrity Express है, Big Boss में इस बार आ रही है, उसके बारे में थोड़ा हमें बताइए। देखो, जितनी जल्दी मैं यहाँ पर आया हूँ, उतनी ही जल्दी ये सीज़न ख़त्म होगा। मतलब कि चार हफ्ते में एक तो फिनाले ज़रूर आएगा, लेकिन उसके बावजूद ये 3 महीने तक चलने वाला है लगातार, जैसे कि हर सीज़न चला है, और 3 महीने तक मैं इनके साथ ही हूँ। और पता नहीं किसी ने बीच में मिसकम्युनिकेशन कर दिया था एक प्रोमो देख के, इट्स ओनली देयर फॉर 4 हफ्ते के अंदर फिनाले आएगा, ऐसा कुछ नहीं। वो प्रोमो था कि एक उसके अंदर प्रोमो के अंदर ये था कि 4 हफ्ते में एक फिनाले आएगा, उसका एक ट्विस्ट आएगा। सो ये 4 हफ्ते वाला चक्कर है क्या, थोड़ा सा विस्तार? 4 हफ्ते में फिनाले तो हो रहा है, लेकिन ट्विस्ट अगर मैं आपको बता सकता तो फायदा क्या है। ये बोल रहे कि आप वो पिक्चर का क्लाइमैक्स अभी बता दें? हाँ, अभी थोड़ी है। तो एक बार क्लियर हो जाए यहाँ पर कि 29th को ये हम सब खोल देंगे, ये शो लॉन्च हो जाएगा एयर पे, और उसके बाद 1 महीने के अंदर फिनाले, और उसके बाद 2 महीने के अंदर ट्विस्ट एंड टर्न्स एंड ट्विस्ट एंड ट्विस्ट एंड टर्न्स एंड टर्न्स, यानी के ऑल 15 हफ्ता कंप्लीट सीजन इज गोइंग टू बी फास्टर देन दिस ट्रेन जर्नी। सो इट्स ऑल अबाउट स्पीड, इट्स ऑल अबाउट रफ्तार दिस सीजन। इट्स ऑल अबाउट रफ्तार, इट्स ऑल अबाउट। यू आल्सो गोइंग इन? नो। इट इज सुभाष सर, हमने सुना था कि यू नो ये सना पिछले एक सीजन में थी, सना। yeah. Do we expect her again into the house? Don't be silly. Once in the house and out of the house will never accept her back in the house. We have other people, very good people to go into the house this time, even better than you, Sana. What about Pooja? Lekin Pooja aa sakti hai. आ सकती हूँ पर मैं आ नहीं रही हूँ इस बार, तो नहीं आ रही हूँ, पता नहीं कभी नेक्स्ट टाइम, बट इस बार तो मैं सबको चीयर अप करने आई हूँ सबको ऑल द बेस्ट गुड लक विश करने आई हूँ। इतने पैसे मांगे होंगे तुमने क्या? बिग बॉस कुड नॉट अफोर्ड इट, कलर्स कुड नॉट अफोर्ड इट, ये तो मैं बोल, मेरा भी प्रॉब्लम हुआ था, लेकिन माय एसोसिएशन हैज बीन लाइक 10 इयर्स, आपके बिना वो करेंगे नहीं ना। पर हाँ, तो इनका रीजन तो हम जान गए, अर्जुन बताएंगे आप क्यों नहीं घुस रहे हो। सर बाहर ज्यादा कमा जा रही है। नहीं, मैं घुस इसलिए नहीं रहा हूँ क्योंकि बहुत डर लगता है सर मुझे, और आपके साथ खड़ा हूँ जैसा लग रहा है कि बिग बॉस के घर के दर्शन हो गए मेरे ऑलरेडी। अरे जब मैं वहाँ पर मंच पे खड़ा होता हूँ ना, स्टेज पे खड़ा होता हूँ, मुझे डर लगता है। और इस बार ये सीजन 13 नहीं है, 13 क्योंकि अनलकी नंबर है। किसने दिमाग में डाला इन कलर्स वालों के 13 अनलकी नंबर? मेरा हर अच्छा काम 13 को ही हुआ है, तो इन्होंने 13 कर दिया। अब जो कंटेस्टेंट्स जाएंगे है तो सब सेलिब्रिटीज, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि इतने टेढ़े सेलिब्रिटीज होंगे कि मुझे हैंडल करने में इस बार दिक्कत होगी। सर टेढ़े नहीं होंगे तो अंदर जाके बन जाएंगे टेढ़े सर, तो क्योंकि मानो क्या है, क्योंकि सब लोग इतना काम करते हैं बाहर, अपना काम छोड़ के घर पे बैठते ही नहीं है, जब वर्किंग और कभी डिनर्स, अगर सोशल मीडिया, ये पोस्ट वो पोस्ट डेट्स एंड वगैरह वगैरह वगैरह। अब घर के अंदर अगर कोई भी घर के अंदर बैठे वो बोर हो ही जाता है, तब तक आप काम नहीं करो, बाहर नहीं जाओ, यू जस्ट गेट इन योर माइंड, क्या बोलते हैं ना, दिमाग खराब हो जाता है, फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। और यहाँ पर ना फोन, ना पेपर, ना टाइम का समय, टास्क, और फिर एक ही घर के अंदर चुगलियाँ, बिचिंग वगैरह दैट। और ये होता है ना कि हमने बाहर, जैसे कि आप रहती हैं लोखंड वाला में रहती हो, हम मैंने आपसे आपके बारे में मैंने बांद्रा में कुछ बोला।